अभी G7 की मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया गया रूस के सोने को बैन करने का। इधर ये फैसला हो रहा था और उधर स्विट्जरलैंड ने बड़ा वाला कांड कर दिया, वो भी रूसी सोने के साथ। तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने भारत के लिए खोल दिया खजाना। आखिर जियोपॉलिटिक्स में अब कौन सा बड़ा धमाल हो गया है? तो वहीं दूसरी तरफ अब पहली बार इस तरह का स्ट्राइक किया है पाकिस्तान के ऊपर भारत ने, बिलबिला उठा है पाकिस्तान। और दुनिया भी नहीं सोच पाई थी कि भारत इस तरह के एक्शन ले लेगा। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही इस वक्त बाइडेन और पश्चिमी जगत फैसला ले रहे हैं। G7 ग्रुप जो दुनिया का सबसे पावरफुल ग्रुप माना जाता है, क्योंकि 7 देशों का एक ऐसा समूह है जो काफी पैसे वाले हैं, अर्थव्यवस्था से बिल्कुल संपन्न देश है। और ये देश जब फैसला लेते हैं तो उस फैसले पर अमल भी करते हैं, क्योंकि ग्रुप छोटा है। ग्रुप छोटा होने की वजह से इनमें एकता है। लेकिन इस बार जो उन्होंने निर्णय लिया है, वो निर्णय पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बनने वाली है। एक निर्णय ने पहले ही मुसीबत खड़ी करके रखी हुई है। ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरीके से बाधित है और दुनिया भर में महंगाई देखने को मिल रही है। लेकिन इसके बावजूद अब दूसरा निर्णय ले लिया गया और ये निर्णय भी दुनिया को भारी पड़ना शुरू हो चुका है। जैसे ही ये खबर आई है वैसे ही दुनिया भर में हंगामा मचना शुरू हो चुका है। दरअसल जैसा कि हमने आपको बताया है, G7 देशों ने ये फैसला लिया कि हम रूस के सोने का आयात बंद कर देंगे, खरीद बंद कर देंगे। आपको बता दें, दुनिया भर में रूस दूसरे नंबर का गोल्ड प्रोड्यूसर है। अब दुनिया में दूसरे नंबर का होने का मतलब है एक बहुत बड़ा अमाउंट, और ये अमाउंट है $15.5 बिलियन का सालाना व्यापार करता है रूस सोना बेचकर। और इस सोने ने इस वक्त रूसी अर्थव्यवस्था को बचा कर रखा हुआ है, ये भी एक्सपर्ट निकाल कर लेकर सामने आ चुके हैं, जिसमें समझ में आ चुका है कि रूस जहां पर रूबल नहीं चला पाता है वहां सोने को चला देता है, गोल्ड को चला देता है, और रूसी अर्थव्यवस्था बड़े आराम से चल रही है। अब यही सोचकर G7 देशों ने ये निर्णय ले लिया कि हम गोल्ड पर बैन लगा देंगे। और सोने पर आयात पे जैसे बैन लगने की खबर आई, सोने के रेट में बढ़ोतरी शुरू हो चुकी। यानी महंगाई के बाद दूसरा मार किस पर पड़ रहा है? सोने पर पड़ रहा है, और ये पूरे दुनिया को भुगतना है। हालांकि जैसे ही ये गोल्ड बैन की बात आधिकारिक रूप से सामने आई, वैसे ही निकल कर सामने आया कि स्विट्जरलैंड ने अचानक से 3 टन सोना मंगवाया है और वो सोना रूसी सोना है। ये कब हुआ था? ये हुआ था मई में, जिसका अकेले का दाम कितना था? $198 मिलियन। मार्च से ही ये खेल चालू है। और सबसे बड़ी बात ये है कि स्विट्जरलैंड रूसी सोने का आयात पहले नहीं करता था, लेकिन मार्च फरवरी से युद्ध शुरू हुआ और मार्च में स्विस ने बहुत बड़े मात्रा में गोल्ड को खरीदा और अब मई में भी ये जारी है। लेकिन स्विट्जरलैंड के अधिकारी ये मानने को तैयार नहीं है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं, ये रूस से नहीं आया है। उनका कहना है कि हमारे पास 3-3 कंपनियां हैं जो कंपनियां गोल्ड रिफाइनरी का काम करती है, और हमारी तीनों में से किसी कंपनी ने इस तरह का सोना नहीं आयात किया है। और ऐसा वो कैसे करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि रूस से सोना भले ले लें, लेकिन पेमेंट तो उन्हें करना पड़ेगा और ज्यादातर बैंक में सेंशन की वजह से पेमेंट बैन है, तो वो करेंगे कैसे? ऐसे में ये बातें अफवाह है, ये कहना है स्विट्जरलैंड का। मतलब ये रहस्य बन गया है कि 3 टन सोना अचानक से स्विट्जरलैंड ने क्यों खरीदा। और अब गोल्ड पे बैन लगाने का सबसे बड़ा असर भारत पर भी देखने को मिलेगा। भारत के घरेलू जनजीवन से लेकर बहुत सारी चीजों में सोने का जुड़ाव है। शादी ब्याह हो या फिर अपने पहनावे की ही बात क्यों ना हो, ऐसे में जो प्राइस बढ़ रहा है, इस प्राइस का असर अब भारतीय मार्केट पर भी दिखेगा। पर अब इसके लिए कथित तौर पर रूस एक बड़े डिस्काउंट की घोषणा करने जा रहा है, और रूस अगर सोने पर भी बहुत बड़े डिस्काउंट की घोषणा करता है तो जाहिर तौर पर कौन से देश लेने आएंगे? भारत और चीन तो जरूर लेने आएंगे। पर भारत के लिए एक बड़ी समस्या है, चूंकि G7 देशों ने ये प्रतिबंध लगाया है और
और भारत ऑब्जर्वर के तौर पर G7 देशों की मीटिंग में कई सालों से शामिल होता आया है और ऐसे में माना यह जाता है कि कुछ सालों में जल्द ही G7 का सदस्य भी भारत बन जाएगा। अब इसे लेकर भारत के ऊपर नजर ज्यादा रहेगी कि क्या भारत इस सोने को खरीदता है या नहीं खरीदता है, क्या डिस्काउंटेड तेल की तरह सोना भी खरीदता है भारत। अब भारत को मनाना होगा G7 देशों को ताकि भारत की खरीद पर उन्हें भी बुरा ना लगे। खैर, जहां ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया है G7 देशों ने, जिसका असर दुनिया की महंगाई में और भी ज्यादा देखने को मिलेगी। रूस बर्बाद हो या ना हो, दुनिया के बाकी देश बर्बादी के रास्ते पर जरूर पहुंच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि रूस के ऊपर अब कुछ ज्यादा हो रहा है, ये ज्यादा कहीं ऐसा ना हो जाए कि न्यूक्लियर मिसाइलों तक पहुंच जाए और जिस बात से दुनिया डर रही है वो चीज शुरू हो जाए। अभी तक रूस ने भी एक तरह से बहुत ज्यादा बर्दाश्त किया है, लेकिन किसी को उतना ही परेशान करना चाहिए जितना वो सह सकता है, वरना कहीं ये चीजें बैकफायर न कर दे। खैर, जहां एक तरफ ये हो रहा है तो वहीं भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ले लिया है तगड़ा वाला एक्शन। बालाकोट स्ट्राइक पूरी के बाद से पाकिस्तान के मन में अब तक सिर्फ डर था कि भारत कहीं आर्मी से एयरफोर्स के जरिए एयर स्ट्राइक न कर दे, इसलिए वो इसी डर में बैठा रहता है कि भारत की तरफ से अगला एक्शन कोई एयर स्ट्राइक न हो जाए। पर इस बार जो स्ट्राइक किया है भारत ने वो बिल्कुल खलबली मचाने वाला है, क्योंकि दुनिया भी इस तरह के स्ट्राइक अभी तक नहीं कर पाई है और इस तरह के स्ट्राइक करने के लिए हिम्मत भी चाहिए, क्योंकि इसके बाद बहुत तरह के सवाल उठते हैं और इन सवालों को रोकने के लिए एक सही और तगड़ा जवाब भी होना चाहिए। दरअसल भारत ने पाकिस्तान के ट्विटर खातों को बंद कर दिया है। अब आप सोचेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ट्विटर खातों को बंद कर दिया है तो, लेकिन बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के 4 दूतावासों के ट्विटर खातों को बंद करवा दिया गया है भारत में। ये 4 दूतावास के कौन कौन से पेज थे तो आपको बता दें, ये अकाउंट थे पाकिस्तान के तुर्की दूतावास के, पाकिस्तान के UN दूतावास के, पाकिस्तान के ईरान दूतावास के और पाकिस्तान के मिस्र दूतावास। अभी जब इन पर क्लिक की जा रही है तो ये कहा जा रहा है कि भारत के कानूनी मांग के अनुरूप भारत में बंद कर दिया गया है इन अकाउंट्स को, और कहा जा रहा है कि और भी ट्विटर खातों पर इसी तरह की कार्रवाई की जा सकती है। अब पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने ट्विटर से भारत में ट्विटर द्वारा ईरान, तुर्की, मिस्र, संयुक्त राष्ट्र में जो खाते बंद किए हैं उनको तत्काल खोलने के लिए, बहाल करने के लिए कहा है। पाक विदेश मंत्रालय कह रहा है कि भारत इसके लिए जिम्मेदार है, भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, जबकि भारत का कहना है कि दरअसल इन खातों का इस्तेमाल पाकिस्तान अपने गलत इरादों के लिए, गलत खबरें फैलाने के लिए कर रहा है, इसीलिए ये एक्शन लिया गया है। वैसे भारत के बाद दुनिया के कई और देश भी इस तरह के एक्शन ले सकते हैं। वैसे भारत ने सही किया है या नहीं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।